अस्सलाम वालेकुम, हम रफ़ीक हार्डवेयर की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नए स्केल की कैलिब्रेशन लेकर आए हैं, जिसका मॉडल है एक्यूरेट AE30। तो आज हम आपको इसकी कैलिब्रेशन और इसका ओवरव्यू अंदर से दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है। तो ये एक प्योर स्टील बटन वाला ACS है, और इसका अगर अंदर से दिखाया जाए तो ये इसका अंदर से, ये इसका डिस्प्ले है, ये फ्रंट डिस्प्ले है, ये इसका बैक डिस्प्ले है, ये इसकी बैटरी है, और ये इसका मेन मदरबोर्ड है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, आप बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इसमें सेल की ऑप्शन भी, आप सेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ी सी प्लेट इसके ऊपर लोड सेल के साथ लगाई गई है, मज़बूत इसको बनाया गया है। तो ये आपको दिखाने का मकसद इसकी बॉडी का ओवरव्यू करना था। ये इसका मेन सर्किट है, इसके कनेक्शन ये ऐसे होते हैं, पहले ब्लैक फिर रेड फिर ग्रीन, पहले ब्लैक फिर रेड फिर ग्रीन और फिर वाइट कलर। तो चलते हैं कैलिब्रेशन की जानिब। सबसे पहले स्केल को ऑन कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसका कैलिब्रेशन कोड मिलाएंगे 3658, और फिर टेयर का बटन दबाएंगे। टेयर का बटन जैसे ही दबाएंगे आपको यूनिट प्राइस में ज़ीरो नज़र आएगी, आपने एक का बटन दबाना और फिर टेयर का बटन दबा देना। तो यूनिट प्राइस में आपको 2 लिखा नज़र आ जाएगा, जिसका मतलब प्लेटफार्म पे वजन रखे हैं। तो मैंने इसके ऊपर ये 10 किलो का वज़न रखा। तो आपने फिर वज़न रखने के बाद टेयर का बटन दबाएंगे, ये आपको 3 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही 3 लिखा नज़र आएगा, मैंने 10 किलो रखा है तो मैं यहाँ 10,000 दूँगा। अगर 20 किलो रखा होता तो 20,000, 5 किलो रखा है तो 5,000 देंगे। फिर टेयर का बटन दबाएंगे, तो टेयर का बटन दबाने के बाद आपने यूनिट प्राइस में देखेंगे 4 लिखा आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी कैपेसिटी को सेट करना है, इसकी कैपेसिटी 40 किलो रखनी है तो 40,000 लिखेंगे। 40,000 लिखने के बाद आपने ये टेयर का बटन दबाना है। ये टेयर का बटन दबाने के बाद ये स्टेप 5 में चला जाएगा। स्टेप 5 में ये आपसे डेसिमल पॉइंट पूछ रहा है कितने रखने हैं, 2 या 3, तो मैंने 3 रखने हैं। 3 का बटन दबाने के बाद फिर टेयर का बटन दबाएंगे, ये यूनिट प्राइस में 6 लिखा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नीचे 2 लिखा नज़र आ जाएगा, इसका मतलब इसकी डिवीज़न सेट करनी है 2 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम या 10 ग्राम। तो मैंने इसको 2 ग्राम से चलाना है तो 2 लिखकर और टेयर का बटन दबा देंगे। तो ये स्केल की कैलिब्रेशन हो चुकी है। अब आप अगर चाहते हैं कि इस पर 999 से ज़्यादा आप यूनिट प्राइस में लिखें, तो आपको इसका कोड मिलाना पड़ेगा 978, और फिर टेयर का बटन दबाएंगे, और फिर आपने 5 का बटन दबाना और फिर टेयर का बटन दबा देना। अब आप इसमें 1,000 से ऊपर की वैल्यू दे सकते हैं, 2,000 देनी है, 1,000 देनी है तो आप दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।